अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जैसा कि पता है, आपको पता है कि आज ईद है और मैं गांव में हूँ। और फिर आज आपको बताते हैं कि गांव में ईद कैसे मनाई जाती है। और अभी सुबह सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी है, अभी कब्रिस्तान पे जाने लगे हैं, उसके बाद फिर वापस आके नहाएंगे, फिर आपको साथ साथ बताते रहते हैं कि गांव में ईद कैसे मनाई जाती है। जी तो अभी ये घर से निकलना है और ये लिंक रोड हमारे घर के पास से आती है, ये मेन रोड पर घर आती है। यहाँ से हम लेफ्ट साइड पे होंगे तो थोड़ी सी देर के बाद कब्रिस्तान आ जाएगा। तो अभी फातिहा वगैरह पढ़ के हम वापस घर जा रहे हैं और अपने घर जा के ईद के लिए तैयार हो रहे हैं, नहाना धोना भी तैयार होना। अच्छा ये है, ये किसी ने बल्ले बल्ले नाम नहीं आता उनका जिन्होंने पहले ये पुली बनवाई है। पहले जो रास्ता होता था नीचे से, वो नीचे से होके हम आते थे, वो काफ़ी मुश्किल होता था, काफ़ी आसानी है लोगों के लिए। यहाँ से भी हमारे घर में शॉर्ट रास्ता जाता है, पर अभी जैसे थोड़ा बाहर का मौसम है ना तो घास की वजह से काफ़ी ओस होती है, इस वजह से हम रोड यूज़ करते हैं। तो अभी हम ईद पढ़ के आए, ईद के लिए लेट हो गए थे, इस वजह से पहले अपडेट नहीं किया। तो अभी हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो काफ़ी ऊपर रहते हैं, अभी उनके घर जा रहे हैं, जो उसके बाद आपको बताते हैं कि हमने क्या किया है, गांव में ईद कैसे मनाई जाती है। एक घर के पास पहुंच गए, के थोड़े बहुत काम करके उसके बाद ये रमज़ान, जब भी रमज़ान होता है रमज़ान में रात को लाइटिंग लगा के तो यहाँ पर रमज़ान खेलते हैं। तो अभी ये जो दिन ईद के बाद लगे रहते हैं उसके बाद तो ये बिल्कुल हम बार्डर के बिल्कुल एल एस ओ के पास है, मतलब दो मिनट का रास्ता भी पार्टी यहाँ से एल एस ओ थोड़ा गाँव से बाहर है एल एस ओ के पास। चले आज का सफ़र हमारा आपके साथ जाता था।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ना दापा करे खिलाड़ी, वो अलग से था खिलाड़ी बन चुका।